नमस्कार, वेलकम बैक इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। दिस वीडियो इज ऑन चार्ल्स डिकेंस। दिस इज थर्ड वीडियो ऑन चार्ल्स डिकेंस। इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरिट, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है डिकेंस के, तो इनपे हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्लीक हाउस 1852 फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए 20 एपिसोड सीरियल बिटवीन मार्च 1852 एंड सेप्टेम्बर 1853। तो ब्लिक हाउस जो नॉवेल है डिकेंस का, ये पब्लिश होता है 1852 में बुक के फॉर्म में, बट उसके पहले ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता है। 20 एपिसोड में ये पब्लिश होता है। कब से कब तक? मार्च 1852 से लेकर सितंबर 1853 तक। तो याद रखेंगे, डिकेंस के ज्यादातर जो नॉवेल्स हैं वो सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश हुए हैं, तो उसी में से एक ये भी है जो कि 20 एपिसोड में पब्लिश हुआ है। The novel has many characters and several subplots and is told partly by the novel's heroine Esther Summerson and partly by an omniscient narrator. तो इस नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, साथ में कई सारे सब प्लॉट्स भी हैं। इस नॉवेल की जो कहानी है उसे किसने नरेट किया है? तो नॉवेल की जो हीरोइन है एस्थर समरसन, इन्होंने नरेट किया है कुछ, और कुछ नॉवेल की स्टोरी को ओमनिसिएंट नरेटर ने नरेट किया, जो कि थर्ड पर्सन नरेटर है। तो याद रखेंगे, कहानी का कुछ हिस्सा जो नॉवेल की हीरोइन एस्थर समरसन है इन्होंने बताया है, और कहानी के कुछ हिस्से को एक ओमनिसिएंट नरेटर ने बताया है जो कि थर्ड पर्सन के फॉर्म में है। जॉनर है नॉवेल का, नॉवेल है, फिक्शन है। थीम देख लेते हैं, सोशल मोबिलिटी, क्लास, लो जस्टिस, सॉरी लॉ जस्टिस, पैशन, ऑब्सेशन, मैडनेस, फिलैंथ्रोपी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस, हंटिंग, गिल्ट, डेस्टिनी, आइडेंटिटी, अपीयरेंस। तो ये सारे इस नॉवेल में थीम्स आपको देखने को मिलेंगे। सेटिंग देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन और नियर लंदन, हॉलबर्न डिस्ट्रिक्ट, अराउंड 1850। तो ये जो नॉवेल है कहाँ पे ये सेट होता है? लंदन और लंदन के आसपास की जो एरिया है वहां पे, स्पेशली लंदन में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हॉलबॉर्न, और टाइम पीरियड है 1850। ये टाइम पीरियड है, पब्लिश डेट 1852 है। एस्थर समरसन नरेटर एंड प्रोटोगोनिस्ट। तो ये नॉवेल की नरेटर भी है, प्रोटोगोनिस्ट है, ऑर्फेन है, बिकम्स द हाउसकीपर एट ब्लीक हाउस व्हेन सी Ada and Richard are taken in by Mr. Jarndyce. इस नॉवेल में जो एस्थर समरसन है नॉवेल की नरेटर है, प्रोटागोनिस्ट है, वो हाउसकीपर का रोल प्ले करती है ब्लीक हाउस में। ब्लीक हाउस के ऑनर कौन है? मिस्टर जॉर्नडाइस है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अडा और रिचर्ड को इनकी देखभाल करना। जब अडा और रिचर्ड जो थे, इनकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉर्नडाइस ने उठाई, तो इनके कंपेनियन के तौर पे इन्होंने एस्थर समरसन को भी ले लिया और हाउसकीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ब्लीक हाउस इज द स्टोरी ऑफ द जॉर्नडाइस फैमिली हु वेट इन वैन टू इनहेरिट मनी फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड फॉर्च्यून इन द सेटलमेंट ऑफ द एक्सट्रीमली लॉन्ग रनिंग लॉसूट। तो ब्लीक हाउस जो है नॉवेल, ये एक फैमिली की स्टोरी है, जॉर्नडाइस फैमिली की स्टोरी है, जो एक ऐसे मनी के इनहेरिट करने की वेट कर रहे होते हैं जो डिस्प्यूटेड होता है। मींस ऐसे मनी का इनको इंतजार होता है जो डिस्प्यूटेड होता है, और इसके लिए बहुत लंबा लॉ सूट इनको लॉ सूट के थ्रू गुजरना पड़ता है, यानी कि कोर्ट वगैरह का मैटर होता है, बट उन्हें ये पैसे मिलते भी नहीं है और बेवजह इन लोग का टाइम वेस्ट होता है। मैसेज द इम्पोर्टेंस एंड डेंजर ऑफ पैशन टल्किंग गर्ल एंड एक्सट्रीमली कैपेबल सोलिसिटर ऑफ द चांसरी कोर्ट इज द मेन एंटागोनिस्ट। तो मैसेज देख लेते हैं, मैसेज क्या है? इम्पोर्टेंस एंड डेंजर ऑफ पैशन है, और टल्किन गर्ल कौन है? इस नॉवेल का एंटागोनिस्ट है मैन, और ये किस प्रकार का पर्सन है? ये सोलिसिटर है चांसरी कोर्ट में। तो टल्किन गर्ल जो है वो चांसरी कोर्ट का सोलिसिटर है, और साथ में ये एंटागोनिस्ट इस नॉवेल का। क्लाइमेक्स देख लेते हैं इस नॉवेल में, लेडी डेडलॉक्स रियलाइजेशन दैट एस्थर इज हर डॉटर इन चैप्टर 29 एंड मेडमोइसेल हॉर्टेंस
अरेस्ट इन चैप्टर 54। तो इस नॉवेल का जो क्लाइमेक्स होता है, जब लेडी डेडलॉक्स इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि एस्थर जो है इनकी अपनी डॉटर है, और किस चैप्टर में, 29 चैप्टर नॉवेल का जो 29 चैप्टर होता है उसमें ये इस बात को एक्सेप्ट करती हैं लेडी डेडलॉक, और साथ में जो मेडमोसाइल हॉर्टेंस से ये अरेस्ट होता है चैप्टर 54 में। तो यही नॉवेल का क्लाइमेक्स है। द नॉवेल इज ऑल्सो अ डिटेक्टिव स्टोरी, वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द जॉनर। तो ये जो नॉवेल है एक तरह का डिटेक्टिव स्टोरी भी है, और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के नॉवेल में एक प्रकार का ये पहला नॉवेल है, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल है डिटेक्टिव स्टोरी के टाइप में। तो यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव नॉवेल, और ये फर्स्ट है अपनी कैटेगरी का। फॉलोइंग एक्शन है, आफ्टर मेडमोसाइल्स हॉर्टेंस इज अरेस्टेड, इंस्पेक्टर बकेट एक्सप्लेन्स द पाथ दैट लेड हिम टू हिज ड्रामेटिक कंक्लूजन। तो मेडमोसाइल हॉर्टेंस जब अरेस्ट होता है तो इंस्पेक्टर बकेट क्या करता है, इसके बारे में बताता है और इसको वो रास्ता बताता है जिससे इसका ड्रामेटिक कंक्लूजन निकल के आता है। इस नॉवेल का जो ओपनिंग लाइन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसे देख लेते हैं। ओपनिंग लाइन जो नॉवेल है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो नॉवेल स्टार्ट होता है इस तरह से, आई एम 20। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है, जो नॉवेल की हीरोइन है, प्रोटागोनिस्ट है एस्थर, उसके लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे एस्थर ही नरेटर है, बताया गया है ऑलरेडी कि नॉवेल की कुछ कहानी एस्थर सुनाती है और कुछ कहानी एक ओमनीसिएंट नरेटर सुनाता है। तो एस्थर बताती है, आई एम 20, एम्प्लॉयड बाय मिस्टर जॉन जॉर्डाइस एज ए हाउसकीपर एंड कंपेनियन टू हिज यंग वार्ड अदा क्लेयर। अदर्स थिंक मी प्रेटी, आई नेवर थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो इस तरह से इस नॉवेल की स्टार्ट होती है, जिसमें एस्थर अपने बारे में बताती है कि शी इज ऑफ 20 ईयर्स, और ये मिस्टर जॉन जॉर्डाइस जो है इसे एम्प्लॉय करते हैं, एक हाउसकीपर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और साथ में कंपेनियन के तौर पे भी इनके यंग वार्ड अदा क्लियर के लिए। और एस्थर के लिए ये कहती है एस्थर अपने आप के लिए कि अदर्स जो दूसरे लोग हैं वो सोचते हैं कि एस्थर जो है वो प्रेटी है, लेकिन ये अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती है। एट द एंड ऑफ द नॉवेल लेडी डेडलॉक डाइज डिस्ग्रेस्ड इन हर ओन माइंड एंड कन्विंस्ड दैट हर हस्बैंड कुड नेवर फॉरगिव व्हाट शी इमेजिन्स टू बी हर ओन मॉरल फेलिंग्स। तो यहाँ पे नॉवेल के एंड में क्या होता है, लेडी डेडलॉक जो है उनकी डेथ हो जाती है, बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है लेडी डेडलॉक का। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज शी थॉट दैट हर हस्बैंड नेवर फॉरगिव हर बिकॉज ऑफ हर, यू कैन से दैट जो इनका रिलेशनशिप होता है विद अदर पर्सन, तो इस वजह से, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन सी गॉट द डॉटर एस्थर। तो ये सारी चीजें ये सोच कर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, बिकॉज हर हस्बैंड इज अ रिप्यूटेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, और इनको लगता है कि शायद उनकी रिप्यूटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और दैट इज वाई सी लेफ्ट द हाउस एंड डाइज बिफोर अ सिमेट्री। डिकेंस सेटराइजेस द चांसरी portraying a useless court that has driven people to suicide and ruined lives. इस नॉवेल के थ्रू डिकेंस जो है सेटराइज करते हैं चांसरी कोर्ट पे, जहाँ पे लोग लंबे समय तक लॉ शूट करते रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक कोई भी केस लड़ते रहते हैं, और इस वजह से बहुत लोग क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और डिप्रेस्ड होकर वो गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद होती है बिकॉज ऑफ कोर्ट, और कोर्ट में लंबे समय तक पेंडिंग में जो केसेस होते हैं उसकी वजह से। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, एस्थर समरसन नरेटर एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, और बहुत कुछ एस्थर समरसन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो बहुत डिटेल में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जॉन जॉर्डाइस, मास्टर ऑफ ब्लिक हाउस, गार्जियन ऑफ ऑर्फेंस अदा एंड रिचर्ड, एंड टेक्स एस्थर इन एज अ कंपेनियन। मिस्टर जॉन जॉर्डाइस कौन है, ये ब्लिक हाउस के मास्टर हैं, ब्लिक हाउस के ही नाम पर इस नॉवेल का नाम भी पड़ा है ब्लिक हाउस, और ये गार्जियन है किसके, अदा और रिचर्ड के, और साथ में ये एस्थर को इनके कंपेनियन के रूप में हायर भी करते हैं। अदा क्लेयर वार्ड ऑफ जॉर्डाइस काइंड स्वीट नेव एस्थर्स क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट, मैरिज रिचर्ड एंड हैव अ बेबी।
अदा क्लेयर जो है वो जॉन्डाइस की वार्ड होती हैं, मतलब इनके अंडर में वो रहती हैं, क्योंकि जॉन्डाइस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अदा क्लेयर की देखभाल करने की, और साथ में रिचर्ड की भी। तो वो एक काइंड और स्वीट लेडी है, एस्थर की क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट भी है। लेटर ऑन सी मैरिज टू रिचर्ड एंड हैव अ बेबी फ्रॉम हिम। रिचर्ड कास्टन, वार्ड ऑफ जॉन्डाइस, एफेबल लेजी बिकम्स ऑब्सेस्ड विद जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस। रिचर्ड कास्टन जो है वो जॉन्डाइस का वो भी वार्ड होता है अडा के साथ साथ, और एफेबल है, लेजी है, और ये बहुत लंबे समय तक जॉन्डाइस एंड जॉन्डाइस जो कंपनी है एक तरह से, जिनका लॉ सूट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, उनके साथ ये ऑब्सेस्ड होते हैं, और उसमें कुछ मिलता भी नहीं है रिचर्ड को। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेडी डेडलॉक, मिस्ट्रेस ऑफ चेस्नी वोल्ड, मैरिज टू सर लेसिस्टर। एस्थर इज हर इलेजिटिमेट चाइल्ड, सी कीप्स द सेक्रेट एंड विन रिवल सी रन्स अवे एंड डाइज आउटसाइड ऑफ अ सिमेट्री। तो लेडी डेडलॉक जो है वो चेस्नी वोल्ड के मिस्ट्रेस से, एंड लेटर ऑन सी मैरिज टू सर लेसिस्टर। ही इज वेरी रिप्यूटेड पर्सन एंड सी हैड अ डॉटर दैट इज इलेजिटिमेट चाइल्ड, एस्थर समरसन, हु इज द नरेटर एंड प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। मिस लेडी डेडलॉक इज द मदर ऑफ एस्थर, सी कीप्स द सेक्रेट दैट एस्थर इज हर डॉटर। एंड जब ये बात रिवील होती है तो वो घर से चली जाती हैं, और एक सिमेट्री के बाहर उनकी डेथ हो जाती है, किसकी, लेडी डेडलॉक की। नेक्स्ट कैरेक्टर सर लेसेस्टर डेडलॉक, मास्टर ऑफ चेस्नी वोल्ड, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड मैन, फुली विलिंग टू फॉरगिव लेडी डेडलॉक। तो यहाँ पे सर लेसेस्टर डेडलॉक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, ये चेस्नी वोल्ड के मास्टर हैं, जिस चेस्नी वोल्ड के मिस्ट्रेस लेडी डेडलॉक कभी थी, और ये स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड पर्सन है सोसाइटी के, और ये जब लेडी डेडलॉक के बारे में इनको पता चलता है तो वो बिल्कुल रेडी होते हैं उनको माफ करने के लिए, बट लेडी डेडलॉक उसके पहले ही घर छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, मिस्टर टल्किंगन, मिस्टर लॉरेंस बाथर्न बॉयथर्न, मिस्टर विलियम गप्पी, कैप्टन हाउडन, कैप्टन हाउडन जो है एस्थर के फादर है, मेडमोसाइल हॉर्स्टेन हॉर्टेंस, लेडी डेडलॉक के फ्रेंच मेड है, चार्लट चार्ली नेकेट, एस्थर्स बिलेवर्ड मेड, रोजा हेरोल्ड स्किम्पोल, जुडी स्मॉलवीड, मिस्टर स्नेक बाय, मिस्टर वोल्स इमोरल लॉयर, एलन वुडकोट। तो ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, मे बी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से भी, तो बस एक बार आप लोग देख लेंगे कि इन सारे कैरेक्टर्स को। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, दैट इज लिटिल डॉरिट 1857। द नॉवेल पब्लिश इन सीरियल फॉर्म बिटवीन 1855 एंड 1857 एंड इन बुक फॉर्म इन 1857। लिटिल डॉरिट जो नॉवेल है ये भी सीरियल फॉर्म में ही पब्लिश होता है, कब से कब तक, 1855 से 1857 तक, और बुक के फॉर्म में ये पब्लिश होता है 1857 में। इस नॉवेल में जो स्टोरी है वो फीचर करती है एमी डोरिट को, जो कि लिटिल डोरिट के नाम से जानी जाती है। यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हर फैमिली, एमी डोरिट यानी कि लिटिल डोरिट जो है अपनी फैमिली की यंगेस्ट चाइल्ड है, बॉर्न एंड रेस्ड इन द मार्सेलसिया प्रिजन फॉर डेटर्स इन लंदन। एमी डोरिट और लिटिल डोरिट का जो जन्म होता है एक प्रिजन में होता है, उस प्रिजन का नाम है मार्सेलसिया। ये किस तरह का प्रिजन होता है, ये प्रिजन डेटर्स के लिए होता है लंदन में, मींस लंदन में जो कर्जदार लोग होते हैं उनके लिए एक जेल होता है, वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते तो उन्हें उसी जेल में रहना होता है। उसी जेल में लिटिल डोरिट मींस एमी डोरिट का जन्म होता है, और उस जेल का नाम है मार्सेलसिया प्रिजन। डिकेंस सेट्स द नॉवेल, सॉरी जॉनर ऑफ द नॉवेल इज नॉवेल, तो ये नॉवेल कैटेगरी का ही इसका जॉनर है। डिकेंस सेट्स द नॉवेल इन द 1820s अराउंड द टाइम हिज फादर वाज इन इनमेट इन द मार्सेलसिया। तो डिकेंस इस नॉवेल की जो सेटिंग करते हैं कब करते हैं, 1820s के अराउंड में करते हैं। एट द टाइम इनके फादर खुद मार्सेलसिया प्रिजन में हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि इनके फादर भी डेटर्स थे, कर्जदार थे,
और उसी को लेकर इन्होंने सटायर किया है, जो ये डेटर्स लोगों के लिए प्रिजन है इस पे सटायर करते हुए इन्होंने ये नॉवेल लिखा है लिटिल डॉरिट, और पब्लिश हुआ है 1857 में। द अटैक्स द इनजस्टिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम, पर्टिकुलरली द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेटर्स प्रिजन। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसके ऊपर, और उसमें साथ में इन्होंने ये भी इस पे भी एक तरह से फोकस किया है, कमेंट किया है, जो डेटर्स प्रिजन है इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर भी कमेंट किया है, सटायर किया है डिकेंस ने अपने इस नॉवेल में। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो है जो सोशल इश्यूज है उसी को कवर करते हैं अपने नॉवेल में। तो यहाँ पे भी एक सोशल इश्यू को ही इन्होंने कवर किया है, और वो सोशल इश्यू है डेटर्स प्रिजन। डॉरिट मीन्स गिफ्ट ऑफ गॉड, डॉरिट का मतलब होता है गॉड का गिफ्ट। मॉरल देख लेते हैं इस नॉवेल में, सेल्फ कल्टिवेशन रिवॉर्ड्स और पनिशेस द कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दियर मॉरल बिहेवियर। इस नॉवेल में क्या दिखाया गया है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिवॉर्ड और पनिश किया गया है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो जैसा उनका मॉरल बिहेवियर होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जाता है या रिवॉर्ड किया जाता है, सेल्फ कल्टिवेशन है। थीम देख लेते हैं, फैमिली है, मॉरलिटी है, इथिक्स है, प्राइड पॉवर्टी वेल्थ पावर ड्यूटी, ये सभी इस नॉवेल के थीम है। क्रिस्टोफर कैसबाई ग्रेस्पिंग लैंडलॉर्ड ऑफ सलम प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग दोज इन ब्लीडिंग हार्ट यार्ड, फादर ऑफ फ्लोरा फिंचिंग वंस अ चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ऑफ आर्थर ग्लेनेम। तो क्रिस्टोफर कैसबाई कौन है, ये लैंडलॉर्ड है सलम प्रॉपर्टीज के और साथ में ब्लीडिंग हार्ट यार्ड के भी, और ये फ्लोरा फिंचिंग के फादर हैं। और ये जो फ्लोरा फिंचिंग है ये चाइल्डहुड स्वीटहार्ट होती है किसकी, आर्थर क्लेनेम की। इन द एंड आर्थर्स मदर अ माइजरली मीन स्पिरिटेड वुमन इज फोर्स्ड टू रिवील दैट आर्थर इज नॉट हर सन, देन आर्थर एंड लिटिल डॉरिट बिकम फ्री टू मैरी। नॉवेल के एंड में क्या होता है, आर्थर की जो मदर होती है सी इज वेरी माइजर एंड मीन स्पिरिटेड लेडी, और वो ये बात एक्सेप्ट करती है, रिवील करती है कि आर्थर उनका अपना बेटा नहीं है, और जैसे वो रिवील करती है वैसे आर्थर फ्री हो जाता है लिटिल डोरिट से शादी करने के लिए। तो इस तरह से आर्थर और लिटिल डोरिट जो है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, क्योंकि इनके शादी के बीच में इनकी जो मदर कही जाने वाली थी वही इनके बाधा होती है। तो जैसे ये बात क्लियर हो जाता है कि शी इज नॉट द मदर ऑफ आर्थर, तो फिर वो दोनों फ्री हो जाते हैं। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, एमी लिटिल डोरिट, तो एमी डोरिट को ही लिटिल डोरिट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। शी इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ हर फैमिली बोर्न इन डेटर्स प्रिजन एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, शी इज 20 ईयर्स। तो एमी डोरिट या लिटिल डोरिट जो है वो अपनी फैमिली में सबसे यंगेस्ट है, और डेटर्स प्रिजन में इनका जन्म होता है। नॉवेल के स्टार्ट में इनकी एज 20 ईयर्स की होती है, और ये इस नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट है। मिस्टर विलियम डॉरिट एमी के फादर इम्प्रिजन इन अ डेटर्स प्रिजन। मिस्टर विलियम डॉरिट जो एमी के फादर हैं, मिस लिटिल डॉरिट के फादर है, और ये उस डेटर्स प्रिजन में कैद रहते हैं। आर्थर क्लेनेम 40 ईयर्स ओल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल रिटर्न्स फ्रॉम चाइना आफ्टर 20 ईयर्स। तो आर्थर क्लेनेम जो है ये 40 ईयर्स का होता है नॉवल के स्टार्ट में, और 20 ईयर्स बाद ये चाइना से लौटा होता है। फैनी डोरिट एमिस ओल्डर सिस्टर मैरिज एडमंड स्पार्कलर टू बी अ वेल्दी वुमेन। फैनी डोरिट जो है एमी डोरिट यानी कि लिटिल डोरिट की ओल्डर सिस्टर होती है, और ये एडमंड स्पार्कलर से शादी करती है सो दैट सी कैन बी अ वेल्दी वुमेन। डेनियल डॉयस एन इन्वेंटर एंड बिजनेस मैन एसोसिएट्स विद आर्थर। डेनियल डॉयस जो है एक इन्वेंटर होता है, बिजनेस मैन होता है, और साथ में ये आर्थर का एसोसिएट्स भी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर एडमंड स्पार्कलर, मिसेस मर्डल सन मैरिज फैनी डॉरिट। तो ये मिसेस मर्डल जो होती है उनका बेटा होता है, और फैनी डॉरिट एमी डॉरिट की जो ओल्डर सिस्टर होती है उससे ये शादी करता है। एमी डोरिट कौन है, लिटिल डोरिट नॉवेल की प्रोटागोनिस्ट।
जॉन चेवेरी, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस चेवेरी, लव्स एमी, रिमेंस हेल्पिंग हर इवन आफ्टर सी टर्न्स हिम डाउन। जॉन चेवेरी जो है ये मिस्टर एंड मिसेस चेवेरी का बेटा होता है, ये भी उसी प्रिजन में होता है जिस प्रिजन में एमी डोरिट होती है। ही लव्स एमी बट सी रिजेक्टेड हिम इवन दो ही हेल्प्स हर ऑलवेज। मैगी अ यंग वुमेन हु इज डेवलपमेंटली डिलेड ड्यू टू इलनेस एंड हैज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड। मैगी जो है वो एक यंग लेडी है बट इनका डेवलपमेंट जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हुआ रहता है और बीमारी की वजह से, इस वजह से इनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो एक बच्चे की तरह होती है। मिस्टर रग लॉयर, पैंक्स लैंडलॉर्ड। मिस्टर रग जो है लॉयर है और पैंक के लैंडलॉर्ड। फ्लोरा कैसबाई फिंचिंग, विडो ऑफ 40 एज इन हर यूथ आर्थर्स फियांसी। फ्लोरा कैसबाई फिंचिंग जो है ये नॉवेल में 40 इयर्स की होती है एज और ये विडो है और अपनी यूथ टाइम में आर्थर की फियांसी रही हुई है। इनके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स हैं, फ्लिंट विंच, मिस्टर क्लेनेम, एफ्री, पेट मीगस, टैटी कोरम, हेनरी गोवान, मैरिस पेट मीगस, मिस वेड, मिस्टर कैसवाई, पैंक्स। ये सभी कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के, लिटिल डॉरिट के। अब नेक्स्ट नॉवेल देखते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज, 1859, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। हिस्टोरिकल नॉवेल पब्लिश्ड इन 1859, सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है दो शहरों की कहानी है, दो शहर कौन कौन से है, लंदन है और पेरिस से। ये हिस्टोरिकल नॉवेल है, पब्लिश्ड होता है 1859 में और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय और उसके पहले की कहानी है इस नॉवेल में। जॉनर है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, फिक्शन है। थीम ड्यूअलिटी, रिवॉल्यूशन एंड रिसरेक्शन। मॉरल है इस नॉवेल का, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज दे सीम। तो इस नॉवेल में ये मॉरल देखने को मिलता है कि जो चीजें जैसा है वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा वैसा ही हो। Somebody who appears to be no good and disreputable could become the most righteous person. तो एक समय में एक person जो कि बहुत खराब हो सकता था, खराब होता है, वो कभी चल के बहुत अच्छा भी हो जाता है। तो यही इस novel का moral है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हमेशा एक जैसा हो। Individuals who appear to seek justice may be bloodthirsty. तो ऐसे individuals जो कि न्याय चाहते हो वो ब्लड थर्स्टी भी हो सकते हैं। तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज चेंजेबल मींस। तो मींस कह सकते हैं कि जो चेंज है, इस नॉवेल का थीम है एवरीथिंग चेंज विद द टाइम। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द कंडीशंस दैट लेड अप टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द रेन ऑफ टेरर। तो ये स्टोरी उस कंडीशन के अगेंस्ट सेट होता है जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और साथ में फ्रांस में टेरर का शासन स्टार्ट हो जाता है। Masses have with this novel, Dickens asserts his belief in the possibility of resurrection and transformation, both on a personal level and on a societal level. तो इस नॉवेल में ये मैसेज देखने को मिलता है कि डिकेंस ये बताना चाहते हैं कि कैसे सोशल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसरेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स सोसाइटी में भी चेंजेस हो सकते हैं और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं टाइम के साथ। The narrative suggests that Sydney Carton's death secures a new peaceful life for Lucy Manette, Charles Darnay and even Sydney himself. इस कहानी में ये देखने को मिलता है कि सिडनी कार्टन जो है अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है किसकी खुशी के लिए, लूसी मैनेट के हैप्पीनेस के लिए। और लूसी मैनेट जो है चार्ल्स डार्ने की वाइफ होती है एंड शी इज द बिलवेड ऑफ सिडनी कार्टन। तो ये अपनी बिलवेड के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। एक्चुअली जो सिडनी कार्टन होता है ये चार्ल्स डार्निक का हमशक्ल होता है और इस वजह से इसे एक चांस मिलता है सिडनी कार्टन को चार्ल्स डार्निक के जगह पे खुद सेक्रीफाइस होने का। स्टोरी, द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डॉक्टर मैनेट, हिज 18 ईयर लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द बैसिल इन पेरिस एंड ही इज रिलीज टू लिव इन लंदन विथ हिज डॉटर लूसी हुम ही हैड नेवर मेट। इस नॉवेल में स्टोरी है एक फ्रेंच डॉक्टर मैनेट की। तो मिस्टर मैनेट जो होते हैं वो 18 साल तक
जेल में रहते हैं, पेरिस में बैसिल जेल में ये रहते हैं, और फिर इनको आजाद कर दिया जाता है। फिर ये लंदन रहने के लिए चले जाते हैं अपनी बेटी लूसी के साथ, जिसे कभी इन्होंने देखा नहीं था। सिडनी कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड पॉइग्नेंट कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल। सिडनी कॉटन जो है इस नॉवेल के सबसे डायनेमिक और पॉइग्नेंट कैरेक्टर है, और ये इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट भी है। द नॉवेल एंड्स विद द एक्सक्यूशन ऑफ सिडनी कॉटन बाय गिलोटाइन। इस नॉवेल के एंड में सिडनी कॉटन का एक्सक्यूशन हो जाता है, फांसी हो जाती है सिडनी कॉटन को। क्यों? सिडनी कॉटन की वजह से नहीं, बल्कि जो डार्नी है, चार्ल्स डार्नी है, लूसी मैनेट का हस्बैंड, चार्ल्स डार्नी को एक्सक्यूशन होना होता है, तो सिडनी कार्टन जो होता है अपना सेक्रीफाइस दे देता है उसकी जगह, सो दैट कि लूसी कैन लीड अ हैप्पी लाइफ। ही वाज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू मेक द वुमेन ही लव्स, लूसी मैनेट, हैप्पी। तो वो खुद ही सेक्रीफाइस होना चाहता था लूसी को हैप्पी रखने के लिए। फेमस फर्स्ट लाइन इस नॉवेल का देख लेते हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये लाइन जो है बहुत ही फेमस है, पूछा जा सकता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है किस नॉवेल का है, तो बता देंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज। फेमस लास्ट लाइन भी देख लेते हैं, इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव इवर डन, इट इज अ फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू दैन आई हैव इवर नोन। तो ये लास्ट लाइन है, किसकी लास्ट लाइन है? ये अ टेल ऑफ टू सिटीज जो नॉवेल है उसकी लास्ट लाइन है, और ये जो डायलॉग है ये सिडनी कॉटन का है। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव इवर डन, इट इज अ फार बेटर रेस्ट दैट आई गो टू देन आई हैव इवर नोन। कैरेक्टर्स देख लेते हैं, चार्ल्स डार्नी अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट बाय बर्थ लिव्स इन इंग्लैंड ड्यू टू क्रूएल इनजस्टिसेस ऑफ द फ्रेंच सोशल सिस्टम। Courageous enough to reveal his true identity before Dr. Manette, husband of Lucy Manette. तो चार्ल्स डार्नी जो है ये कौन है? फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है, और ये इंग्लैंड में रहता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच सोशल सिस्टम में इनजस्टिस है उसकी वजह से ये फ्रेंच छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है, और ये बहुत ही करेजियस होता है। ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी डॉक्टर मैनेट जो लूसी के फादर है उनको बता देता है, छुपाता नहीं है, और साथ में ये लूसी का हस्बैंड होता है, लूसी मैनेट का, चार्ल्स डार्नी। सिडनी कॉटन एन इंसोलेंट इंडिफरेंट एंड एल्कोहलिक अटॉर्नी लव्स लूसी सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर हर व्हिच मेक्स हिम द मोस्ट डायनेमिक कैरेक्टर एंड प्रोटागोनिस्ट। सिडनी कॉटन जो कि स्टार्ट में इंसोलेंट इंडिफरेंट एल्कोहलिक टाइप का अटॉर्नी होता है, और शुरू में ये एक अच्छा इंसान नहीं होता है सिडनी कॉटन, बट ही लव्स लूसी, और लूसी के लिए ये जब अपना अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है तब ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर बन जाता है, और साथ में प्रोटागोनिस्ट भी बन जाता है इस नॉवेल का। डॉक्टर मैनेट लूसीज फादर ब्रिलियंट फिजिशियन स्पेंड 18 ईयर्स एज अ प्रिजनर इन द बैसिल एट द स्टार्ट ऑफ द नॉवेल। ही मेक्स चूज टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द टॉर्चर्स ऑफ प्रिजन। डॉक्टर मैनेट लूसी के फादर है ब्रिलियंट फिजिशियन है, 18 साल ये जेल में रहते हैं बासिल जेल में। नॉवेल के शुरू में इनको जेल में सूज बनाते हुए दिखाया जाता है। ये सूज इसलिए बनाते हैं सो दैट कि जेल में जो टॉर्चर होता है उससे ये बच सके, उससे मतलब ये अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, इसीलिए ये सूज बनाते रहते हैं, और नॉवेल के स्टार्ट में इनको सूज बनाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टर लूसी मैनेट। सिस यंग फ्रेंच लेडी ग्रीव अप इन इंग्लैंड, डॉटर ऑफ मैनेट, वाइफ ऑफ चार्ल्स डार्नी, beloved of Sidney Carton, rest as a ward of Delishan's bank, refer as the golden thread. Lucy Manette जो है young French lady है, French है but England में ही इनका पालन पोषण होता है। Dr. Manette की daughter है, Charles Darnley की wife है, और beloved है Sidney Carton की। इनका पालन पोषण Delishan's bank के द्वारा होता है, और इनको gold thread के नाम से जाना जाता है। टेलसन्स बैंक लूसी मैनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाती है? बिकॉज उन्हें लगता है कि लूसी मैनेट के पेरेंट्स नहीं है इस वजह से, और इनको गोल्डन थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है, रिफर किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मॉन्स्यूर डेफार्ज।
वंस अपॉन अ रिवोल्यूशनरी फॉर्मर सर्वेंट ऑफ मैरिट हस्बैंड ऑफ मैडम डिफार्स। तो मॉन्सिर डिफार्स जो है वो शॉप ऑनर है, वाइन शॉप ऑनर है, रिवोल्यूशनरी है, ये भी फॉर्मर सर्वेंट है डॉक्टर मैनेट के, और ये मैडम डिफार्स के हस्बैंड भी है। मैडम डिफार्स क्रूएल रिवोल्यूशनरी एंटागोनिस्ट। मैडम डिफार्स जो है क्रूएल रिवोल्यूशनरी है इस नॉवेल में, और इस नॉवेल की एंटागोनिस्ट भी है अ टेल ऑफ टू सिटीज की, मैडम डिफार्स। जार्विस लॉरी एल्डरली बिजनेसमैन वर्क्स फॉर टेल्सन्स बैंक। गुड ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी लॉयल पर्सनल फ्रेंड फॉर मैनेट्स। जार्विस लॉरी बहुत ही अच्छे पर्सन है, एक बिजनेसमैन है और टेल्सन बैंक के लिए वर्क करते हैं। ये गुड है, ऑनेस्ट है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल भी है, और इस तरह से ये मैनेट्स यानी कि डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट के पर्सनल फ्रेंड बन जाते हैं। कौन? जार्विस लॉरी। नेक्स्ट इज मिस प्रॉस सर्वेंट रेज्ड लूसी टफ फास्टली लॉयर। मिस प्रॉस जो है सर्वेंट है और यही लूसी का पालन पोषण करती है, बहुत टफ है, फायसली लॉयल भी है। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जेरी क्रंचर, मार्कस एवरीमोंड, मिस्टर स्ट्राइवर, जॉन बर्साड, रोजर क्लाई, गैबल आर सम लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के टेल ऑफ टू सिटीज के। This is all about for today's video. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. आप लोग video को ज्यादा से ज्यादा share करिए, like करिए और subscribe भी करते रहे so that की motivation बनता रहे और अच्छे से अच्छे video आपके लिए आते रहे। This is all about for today's video. Please video को बिल्कुल मत भूलिए like और share subscribe करना। ये आप एक तरह से responsibility उठा लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। Thanks for watching.